2.2 एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन हम थ्योरी में भी करा दिए हैं। 3 साइन इनवर्स एक्स इतना होगा, ये हमको प्रूफ करना है। कौन सा साइड इसमें लेंगे बताइए, आरएचएस लेकर बना सकते हैं ना, आरएचएस ले लिए, कितना है आरएचएस में, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की। अब कैसे बनेगा ये बताइए, x के जगह पर पुट करके ऐसे सवाल को बनाया जाता है, क्या पुट करेंगे इसको, प्रूफ किस में करना है, साइन में प्रूफ करना है। तो यहां x के जगह पर क्या पुट करेंगे, x बराबर साइन थीटा, तो यहां से थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा, यही ना, ठीक है। तो देखिए पुट कीजिए, साइन इनवर्स 3 एक्स के जगह पर साइन थीटा माइनस 4 एक्स क्यू, मतलब कौन सी, साइन क्यू थीटा, अब याद है इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, साइन 3 थीटा का ही फॉर्मूला है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का। ओवरऑल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, ये तो हट गया 3 थीटा, थीटा का मान रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, यही तो आपका एलएचएस है, बुझाया है कि नहीं बुझाया है, कौन सा साइड लिए हैं, क्या पुट किए हैं, साइन थीटा, साइन थीटा ही क्यों पुट हुआ है बताइए, प्रूफ किस में करना है, साइन में, इसलिए साइन थीटा पुट किए हैं, जहां जहां एक से वहां क्या लिख दिए हैं, साइन थीटा लिखे हैं। अब ये फॉर्मूला हो गया क्लास 11th का, इसको तो याद रखना होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा कितना होता है, बस यहां लिख देंगे, अब साइन इनवर्स साइन दोनों हट गया, कितना आया, 3 या थीटा का मान रख लीजिए, हाँ बुझा रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी इसके प्रूफ में भी कौन सा साइड लेंगे, आरएचएस लेंगे, क्या है आरएचएस में, कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है, यही है, इसमें क्या पुट करेंगे, x के जगह पर cos थीटा, समझ रहे हो क्यों, cos में प्रूफ करना है, यहां से थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा, तो ये हो गया cos इनवर्स एक्स क्यू का मतलब माइनस 3 कॉस थीटा, फॉर्मूला बताइए, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, कॉस 3 थीटा का ही फॉर्मूला है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, जोर से बोलो, 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos 3 थीटा होता है, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स cos 3 थीटा, इधर दोनों हट जाएगा, कितना हुआ 3 थीटा, यानी 3 या थीटा का मतलब रखेंगे ना लास्ट में,
कॉस इनवर्स एक्स रख देंगे। यही कौन सा साइड है? बहुत ही सिंपल बुझाए ना बात, कौन सा साइड लिए हैं? आरएचएस। क्या पुट हुआ है? कॉस थीटा। क्यों कॉस पुट हुआ है? क्योंकि कॉस में ही प्रूफ करना है। अब फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है? कॉस थ्री थीटा का। यहां लिख दी, दोनों हट गया, कितना आया? थ्री थीटा आएगा, आएगा ना। तो थ्री या थीटा का मान कितना है? कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी बन गया। अगला ही क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान है। कौन सा साइड ले लेंगे? एलएचएस कितना है? 2/11 और टेन इनवर्स 7/24। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बताए हुए हैं, उसी से आसानी से जुड़ जाएगा। एलएचएस ही क्यों लिए हैं? क्योंकि इसमें कई गो टर्म है, दो टर्म है, इधर सिंगल है, दो को जोड़कर हम सिंगल बना सकते हैं, हमारे पास वैसा फॉर्मूला है। देखो यहां, देखो मोबाइल नहीं देखो, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले कौन सी जांच होता है? एक्स वाई 2/11 7/24 दो से कटेगा 12 मरतबे 7/132 होगा, एक से क्या है? एक से छोटा है, एक से छोटा है कि नहीं? भाग देंगे तो 0 समथिंग आएगा, एक से कम है। अगर एक्स वाई एक से कम हो तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसी फॉर्मूला पर ही बनेगा, क्योंकि जोड़ने का दो गो फॉर्मूला है, पाई प्लस भी है, तो जांच के देखना होगा कि कौन लगेगा। एक से कम के लिए तो यही लगता है, एक से ज्यादा रहे तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई कितना होता है? पाई प्लस तब टेन इनवर्स करके होता है। इसको हम जोड़ रहे हैं, लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कोई दिक्कत? आसान है ना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर्मूला है। अब जो बेवकूफ होगा वह ना बटा का जोड़ करेगा, जो होशियार है वो देख रहा है कितना प्रूफ करना है, कितना प्रूफ करना है, यानी कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 हो गए। कौन सा साइड है? आया समझ में कि नहीं आया? एलएचएस ले लिए, अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लिख दिया, बटा का जोड़ वगैरह करेंगे तो इतना आएगा, तो समय ज्ञान नहीं करना है, डायरेक्ट लिख लेना। यहां देखिए, ये थोड़ा सा अलग है और ये वीवीआई भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस आ सकता है, कई बार पूछा है। एलएचएस देखिए क्या है, 2 tan inverse 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 जोड़ना है। दो को सिंपल टेन रहता ना तो बड़ा आसानी से जुड़ जाता, लेकिन यहां टेन के साथ साथ दो है, दो अंक भी है, तो क्या करेंगे?
पहले इसको तोड़ने का जुगाड़ सोचेंगे कि दू हट जाए कैसा हो। इसके लिए फार्मूला है टू टेन इनवर्स एक्स का। देखिए हम बता रहे हैं क्या फार्मूला है। टू टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, टेन में ही टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। भूल गया का तू लोग, बोल तो फॉर्मूला ही बताएं। टू टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये ऐसा फॉर्मूला है, इसका अगर हम यूज कर लें तो टू हट जाएगा और ये डायरेक्ट ऐसे हो जाएगा सिंपल। अप्लाई कीजिए, बोलिए क्या लिखें। टेन इनवर्स टू एक्स, एक्स कितना है, अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फिर कितना लिखाएगा, टेन इनवर्स वन बाई सेवन। अब देखिए क्या होगा, टेन इनवर्स ये दो से दो आई एक माइनस एक बटा चार होगा, यही ना है, एक बटा एक माइनस एक बटा चार ना, एक बटा लघुतम चार ले लीजिए, यानी एक बटा तीन बटा चार, ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स फोर बाई थ्री और यहाँ पे टेन इनवर्स वन बाई सेवन। इतना कैलकुलेशन ये सब रफ में करेंगे, सटीक सॉल्यूशन बने। ठीक है, अब दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए तो फॉर्मूला है ही आपके पास। यहाँ एक्स वाई वन से कम होगा कि नहीं होगा, देखो हम निकाल के बता रहे हैं। चार बटा तीन में एक बटा सात से गुना करेंगे, चार बटा इक्कीस, एक से क्या हुआ, कम हुआ ना। यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो सिंपल फार्मूला लगेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या फार्मूला लगेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब कैलकुलेशन करना है, नहीं करना है, इसके जगह पर डायरेक्ट कितना लिखेंगे, इकतीस बटा सत्रह, इतना आएगा देख लो, ऐसा चौका तीन एकम तीन अट्ठाईस, तीन इकतीस, सत्र का इक्कीस में से चार गया सत्रह आएगा, लेकिन कैलकुलेशन से बच जाइएगा। यहाँ समझ गए बात को, नहीं बुझाया, एकदम क्लियर है। जो फार्मूला यूज किए हैं वो बगल में लिखे हैं, इसलिए दिक्कत तो होगा ही नहीं। उधर वाला में दिक्कत है, एक्स वाई निकाल लिए हैं पहले, तो बताओ ये कितना आया है, चार बटा इक्कीस आया है, एक से कम है ना, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। बस अब गुना भागा तो करना ही नहीं, इसका तो हम उपाय बता दिए, जो मंगाना है वो लिख देना है, प्रूफ करने वाला है इसलिए नींद आ रहा है। अगर प्रूफ करने वाला नहीं रहे तो बटा का जोड़ वगैरह करना पड़ेगा, लंबा बनेगा, समझ गए ना। अब जो सो रहा है ना उसके बगल वाला, उसका वीडियो बनाओ और वो वीडियो भेजो, हम डालेंगे फेसबुक पे, कि उसका कोई हित मित्र देखेगा कहेगा कि देखो स्कूल में जाके क्लास में सोता है, वायरल करेंगे वीडियो सोते हुए। तो चुपके से वीडियो बना लो, हमारे व्हाट्सएप पे क्लिप भेज दो, स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ हुए। यहां देखिए, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में लिखना है जी, सरलतम रूप में लिखना है।
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, माने जो ये बड़ा दिख रहा है ना, कैलकुलेशन करके इसको एकदम छोटा सा बना देना है, छोटा बना देना है, ठीक है। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, कितना है ये, टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन एक्स है, यही है। अब ऐसे सवाल को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए एक्स के जगह पर पुट करना होता है, रखना होता है, क्योंकि बाहर भी टेन इनवर्स से अंदर भी कुछ हो जाए त्रिकोणमितीय ही, तो कट कुट के क्या आ जाएगा, छोटा सा आएगा। इस तरह के सवाल में देखो, चला इस पर बोर्ड पे देखो, इस तरह के सवाल में पुट करके बनाया जाता है, माने एक्स के जगह पर वैल्यू रख के बनाया जाता है, त्रिकोणमितीय वैल्यू रख के बनाया जाता है। आपको याद होना चाहिए कि बताए हैं एक फॉर्मूला बताए हैं कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, इसमें पुट कीजिएगा एक्स के जगह पर ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा। अब इसका क्या राज है, अगर यहां टैन पुट करेंगे ना तो ये होगा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, उसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, वर्गमूल से निकल जाएगा। कॉट पुट करे तो भी फॉर्मूला होता है वर्गमूल से निकल जाएगा, लेकिन टैन और कॉट के अलावे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वर्गमूल से नहीं निकलेगा। जैसे मान लो हम साइन पुट करेंगे तो बनेगा ही नहीं बनेगा, जैसे कि वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर का ना होता है, इसलिए टेन या कॉट के अलावा कुछ भी पुट कर लो ये नहीं बनने वाला है। तो कैसे बनेगा, या तो टेन पुट करेंगे या, इसलिए लिखाए थे, ऐसा ज्यादा नहीं लिखा है, तीन गो पॉइंट लिखाए होंगे, ये फॉर्मूला भी बांटे हैं उसमें लास्ट में ही तीन गो पॉइंट होगा। तो यहां क्या पुट करना चाहिए, ए टेन थीटा, अच्छा यहाँ ए के जगह पर यहाँ वन है, तो वन टेन थीटा पुट करना चाहिए, यानी इस सवाल में, ये तो फॉर्मूला है, इस सवाल में हम पुट करेंगे एक्स के जगह पर वन टेन थीटा, माने खाली टेन थीटा, तो थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। फिर से देखिए, बुझाया कि नहीं, एक्स के जगह पर क्या पुट करने जा रहे हैं, टेन थीटा खाली, ए नहीं है इसमें, आप ऐसा ही सोइएगा भकवेले बोलिएगा तो ये होगा, एक्स के जगह पर कौन सी, खाली टेन थीटा, इसमें ना ए टेन थीटा, लेकिन इसमें ए के जगह पर वन है, तो वन टेन थीटा माने खाली टेन है थीटा ना, तो थीटा कितना होगा, ठीक है, इसको आप पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन एक्स के जगह पर टेन थीटा रखा जाता है, ठीक है। अच्छा अब यहां देखिए, ये हो गया टेन इनवर्स, टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, याद होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन
अपॉन टैन थीटा, फिर ये हो जाएगा टैन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल सेक थीटा माइनस वन अपॉन टैन थीटा। अब देखिए यहां तक तब पहुंच गए, थोड़ा सा और कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा टैन इनवर्स सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कॉस थीटा, और टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं ना। सिंप्लीफाई करना है तो एकदम छोटा से छोटा करेंगे, खूब कटाएंगे, नन ही चुके बचेगा उसका हम जो है आंसर लिखेंगे। ये हो जाएगा कितना, टैन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा। वन माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या है बोलिए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, थीटा से कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कितना बचा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी त्रिकोणमिति है, सब गणित में भारी, यहां से कोई स्टेप आपसे नहीं बढ़ेगा जब तक फॉर्मूला नहीं याद होगा, समझ रहे हो ना। तो यहां एक फॉर्मूला है वन माइनस कॉस थीटा कितना होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, अब प्लस रहता तो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता, एक है साइन थीटा, इसका फॉर्मूला टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस, ये दोनों फॉर्मूला आपको रट जाना होगा। बोलिए वन माइनस कॉस थीटा, जोर से बोलिए और जोर से, वन माइनस कॉस थीटा पूरा पढ़ो यहां से, ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता, और ये पढ़ो साइन थीटा होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, समझ रहे ना, नहीं ना नींद आ रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगा टैन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, यही ना लिख सकते हैं, टू से दो साइन से स्क्वायर कितना आएगा ये टैन इनवर्स साइन बटा कॉस, मतलब टैन होता है। अब देखो ये कितना आसान हो गया, ये दोनों हट गया, कितना बचेगा तो वन बाई टू इंटू थीटा लिख सकते हैं, इसको गुना होगा तो फिर थीटा बाई टू आ जाएगा कि नहीं, एक बटा दो और थीटा का मान, थीटा का मान कितना है टैन इनवर्स एक्स है, तो टैन इनवर्स आंसर हो गया, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। देखो कैसे हम बता रहे, सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है, इसी को हम तोड़े एकदम नन ही चुके आंसर आया, आया कि नहीं, किस फॉर्म में हो गया ये, सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरलतम रूप में हो गया,
फिर से देखिए कैसे बनाए हैं। ये सवाल है, इसमें इस टाइप का जब भी मिले तो एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, टेन थीटा, कॉट भी रखे तो भी बन जाएगा, तो हम यहाँ टेन रखे हैं, एक्स के जगह पर हम क्या रख दिए हैं, थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स। फिर देखिए अभी टेन इनवर्स वन प्लस टेन स्क्वायर माइनस वन अपॉन टेन थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है घटाओ का वन बटा में टेन थीटा। अभी टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल, सेक थीटा माइनस वन, टेन थीटा का टेन थीटा है, ओके। अभी टेन इनवर्स सेक को क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस माइनस का वन बटा का, ये मकसद था कि कुछ और तोड़े कुछ और कटाए, अब बटा का जोड़ किए हैं, ये हो गया वन माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, नीचे तो है ही, ये आपस में कट गया, वन माइनस कॉस बटा, अब वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, तो वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई, और साइन थीटा का फॉर्मूला, टू से दू कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, सो नहीं ना रहा है, नहीं टाइट बैठो, साइन बटा कॉस क्या हो गया, टेन हो गया, ये दोनों हट गया, कितना आया, अब थीटा बाई टू को क्या लिखेंगे, वन बाई टू इंटू थीटा, फिर थीटा का मान रख देंगे, नहीं बुझाया, फिर बताएं, टेन रख देना है, साइन कॉस में बदल लेना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, कटने वाला कट जाएगा, टेन इनवर्स टेन भी कट गया, एक बटा दो इंटू थीटा मान रख देंगे, दो आदमी का आंख हमको लग रहा है सोने वाला है, उसका तू धो के आओ आंख, तुम्हारे पीछे वाले का, हाँ तुम आंख धो के आओ, हंस बे सिंह ना इसको आगे वाले का, एगो तुम भी धो के आओ ना, ये वाला वाइट शर्ट धो के आओ आंख, ऐसे ही आंख धो के आओ, ताजगी आ जाएगा थोड़ा सा, आ जाओ आ जाओ, ठीक, हाँ वो भी अच्छा बात है, ओके ये समझ में आ गया, क्या किए इसमें एक्स के जगह पर कितना पुट किए, टेन थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, इसका वर्गमूल सेक, अब बदले हैं साइन कॉस में, और कटने वाला कट गया, फिर आपके सामने इस सवाल देखिए, ये भी पुट करने से बनेगा, बहुत बढ़िया सवाल, देखिए ये दिया है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, याद है फॉर्मूला कि इसमें क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो ना, तो इसमें एक्स के जगह पर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट होता है, ये फॉर्मूला है, ये कोई आश्चर्यचकित वाला फॉर्मूला नहीं है, सेक रखेंगे ना, सेक स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला बन जाएगा, रूट हट जाएगा, लेकिन यहां इसके साथ साथ एक और बुद्धि लगाना है, पहले सेक रख के देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर, उसका वर्गमूल टेन, वन बाई टेन कॉट, अंदर हो जाएगा कॉट, अब बाहर है टेन, तो ठीक नहीं है पुट करना,
कॉसेक रख के देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, कॉट स्क्वायर वर्गमूल कॉट, वन बाई कॉट टेन, अब बाहर भी मजा आ जाएगा अगर ही रखें तो, दोनों रखेंगे तो बन सकता है लेकिन लंबा बनेगा। मान लो कॉट आ जाएगा फिर उसको टेन में बदलना होगा तब हटेगा। इस तरह से कॉसेक रखेंगे तो ज्यादा वर्क हमको नहीं करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन जो है करते समय कॉसेक ही रखेंगे। इसमें हम पुट करेंगे एक्स के जगह पर केवल कॉसेक थीटा, ए इसलिए नहीं कि इसमें ए नहीं दिया है, ए दिया था तब ए था, तो थीटा कितना हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको देखो हम बना रहे हैं कैसे, टेन इनवर्स वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, अभी कितना हो जाएगा इसको देखिए, टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, टेन इनवर्स वन अपॉन कॉट थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, दोनों कट गया थीटा हुआ। अब लास्ट में थीटा का मान रख देंगे, कोई दिक्कत हुआ ही इस बनाने में तो उसका ही सिंपलेस्ट फॉर्म है, सवाल का सरलतम रूप है। देखो सवाल बड़ा दिख रहा है, आंसर कितना दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, कैसे बनाए बुझाया, क्या रखे इसमें कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का वर्गमूल वन बाई कॉट थीटा, दोनों कट गया कितना आया, थीटा का मान रख दिए, यही ना मान है, फिर समझाएं, कॉसेक थीटा रखे हैं कॉसेक स्क्वायर माइनस वन कॉट स्क्वायर, इसका वर्गमूल कॉट वन बाई कॉट टेन, दोनों हट गया कितना आया, थीटा का मान रखते। नेक्स्ट, इसमें कुछ पुट उट नहीं करना है, पहला ही से दिया है, खाली सॉल्व करके छोटा सा आंसर कर लेना है। देखिए कितना आसानी से बनेगा, टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, दो फॉर्मूला चाहिए, एक वन माइनस कॉस थीटा, बोलिए टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एक वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखिए यहां इसी का नकल कीजिए, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा है, क्या लिखेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इसमें क्या लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, कोई दिक्कत, दू से दू कट गया, कितना बचेगा, टेन इनवर्स साइन बटा कॉस टेन स्क्वायर होता है, टेन स्क्वायर एंगल है वो तो लिखेंगे ही,
टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, ये दोनों कट गया, एक्स बाई टू यही आंसर हुआ। कहीं से दिक्कत हो तो बताओ क्या किए। वन माइनस कॉस थीटा कितना होता है, वन प्लस कॉस थीटा, दू से दू, साइन बटा कॉस, टेन स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकलेगा तो ये दोनों कट गया, कितना आया, यही आंसर होगा। आया समझ में, फिर बताएं, हो गया आ गया, फिर भी आप आंख धो के आइए, आपका आंख लाल दिख रहा है तो क्या, उधर से चल जा। इस सवाल देखिए, आठ नंबर, बहुत बढ़िया सवाल है, ये शानदार सवाल है। कितना है ये, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस, बाहर टेन इनवर्स है, अंदर भी टेन हो जाए तो मजा आ जाए, अंदर भी टेन हो जाए तो दोनों टेन टेन कट जाएगा। अच्छा, अंदर टेन कब होगा, कॉस से भाग देंगे, बहुत बढ़िया, कॉस से भाग देंगे, डिवाइडिंग बाई कॉस एक्स, इससे भाग देंगे, कॉस एक्स से, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बटा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इससे फायदा ही हुआ, सब कट गया, कितना आया ही, टेन इनवर्स वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। अब क्लास इलेवेंथ में इसका फॉर्मूला बताए हैं, ये होता है टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स हो जाएगा, वन माइनस टेन थीटा बटा वन प्लस टेन, फॉर्मूला लिख ही दे रहे हैं, फॉर्मूला है वन माइनस टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा, ये होता है टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा होता है, टेन ए माइनस बी पे इसको तोड़िएगा ना तो इतना आ जाता है, तो जहां ये लिखा है इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, थीटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे सवाल में एक्स दिया हुआ है, ये दोनों खत्म हो गया, पाई बाई फोर माइनस, यही आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। हाँ, फिर से सुनिए, किससे भाग दे दिए हैं, टेन में बदल गया है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, दोनों कट गया, आंसर कितना आया, नहीं बुझाया, फॉर्मूलो हम बना के बता देते हैं, देखो ना, जैसे कितना है, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा ना, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। हाँ, तो टेन पैंतालीस वन हो गया, वन माइनस टेन थीटा, नीचे टेन पैंतालीस वन, वन में टेन थीटा से गुना करेंगे,
आ गया कि नहीं इसका मान ही, चाहे इससे ही एक ही चीज हुआ। ये आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कैसे पुट करेंगे, कितना है ये, टैन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये कितना है, टैन इनवर्स एक्स बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तो डायरेक्ट दिख रहा है कि क्या पुट करेंगे, एक्स के जगह पर साइन थीटा पुट होगा, चाहे कॉस थीटा भी पुट हो सकता है। अब दोनों में फायदा बता रहे हैं कि कौन पुट करने से ज्यादा फायदा होगा। आ जाओ धोखे, देखिए बताए थे फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो ना, तो एक्स के जगह पर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। अब दोनों में से कौन पुट करने से ज्यादा फायदा होगा, टैन है, अंदर भी चाहेंगे टैन, टैन के लिए साइन बटा कॉस होना चाहिए, यानी एक्स के जगह पर अगर साइन लिख दे तो नीचे कॉस हो जाएगा, यानी क्या पुट करना होगा, साइन पुट करने में ज्यादा बेनिफिट है। तो हम पुट कर देंगे एक्स के जगह पर ए साइन थीटा, हाँ ए दिया है, बटा में आ जाएगा, एक्स बाई ए बराबर साइन थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा। चलिए ये तो पुट करने वाला बात हुआ, अब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टैन इनवर्स एक्स के जगह पर ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, एक्स के जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टैन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आएगा, ये टैन इनवर्स ए साइन थीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या होगा, टैन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा कट गया, कितना आएगा, यहां बना दें टैन इनवर्स साइन बटा कॉस टैन थीटा, इनवर्स टैन खत्म हो गया, थीटा थीटा का मान साइन इनवर्स आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया कि नहीं, बड़ा सा था। फिर से सुनिए गप्पू, देखो एक्स के जगह पर ए साइन थीटा पुट किए हैं, ऊपर ए साइन थीटा, नीचे से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, इसका वर्गमूल निकला, ए से साइन बटा कॉस दोनों कट गया, थीटा थीटा का मान रख दे, बहुत आसान था। ई देखिए, ये भी फॉर्मूला पर ही है, यहां वन रहेगा तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए ये कैसे बना रहे हैं, डिवाइड करेंगे
एक्यू से क्या हो जाएगा टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स बटा एक्स क्यू बटा एक्यू बटा थ्री ए एक्स स्क्वायर बटा एक्यू से एक्यू ए स्क्वायर से कट जाएगा ए से कट जाएगा कितना हुआ थ्री एक्स बाई ए एक्स बाई ए का होल क्यू वन माइनस थ्री एक्स बाई ए का। फिर से देखिए क्या क्या बचा थ्री एक्स बाई एक्स बाई ए का होल क्यू वन माइनस थ्री एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एगो फॉर्मूला बताए थे टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। हाँ थ्री टेन इनवर्स एक्स होता है, समझ गए आप। इसी टाइप का है कि नहीं, इसको एक्स मानो तो मन में टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन वन माइनस थ्री सेम क्या होगा थ्री टेन इनवर्स एक्स नहीं ना लिखेंगे एक्स बाई ए लिखेंगे, ये आंसर होगा। क्या लिखेंगे वो एक्स के लिए था, हमको लिखना है वो किसके लिए लिखना है, नहीं समझे। फिर समझिए, इस सवाल देखते ही हमारे मन में है फॉर्मूला घूमने लगा है, क्योंकि इसी टाइप का है ही। तो यहां वन था, यहां एक ही था, तो पहले सोचे कि हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे एक ही उसे। भाग देने के बाद जो बचा वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले था टेन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बटा वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री टेन इनवर्स एक्स होता है। तो उसी तर्ज पे भी हम लिख दिए हैं, आया बात समझ में। फिर बताएं, यहां वन चाहिए था इसलिए हम किससे भाग दिए, ए क्यू से भाग दिए, खूब किए हम भाग दिए, अच्छा किए। अब जो आया फॉर्मूला आ गया, तो आंसर आपके सामने। ये 11 नंबर सवाल इसके बिना तो हो ही नहीं सकता है क्लास पूरा। देखिए सॉल्यूशन, हम क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं, यहीं से। टेन इनवर्स खूब ध्यान से देखिएगा, टू है तो टू, कॉस है तो कॉस, फिर दू है तो दू लिखो, साइन इनवर्स वन बाई टू, हमको तो वन बाई टू नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है साइन पाई बाई सिक्स, एक बटा दू मने साइन तीस ना, लिख सकते हैं। अच्छा ये हो गया टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स दू तो दू, कॉस तो यो ठीक है दू, साइन इनवर्स साइन थीटा, खाली थीटा होता है, खाली क्या होता है ई साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है, पोस्ट में भी घेर सकते हो नहीं भी घेर सकते हो। साइन इनवर्स साइन थीटा के जगह पर थीटा, अब देखा
तीन मरतबे कट गया। फिर देखो टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाई थ्री, तो कॉस साठ हुआ, कॉस साठ का मान, वाह वाह जा सब कटते जा रहा है। फिर क्या बचा, टेन इनवर्स वन, हमको तो वन नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है टेन पैतालीस। अभी दोनों आंसर कितना आया, आंसर हो गया दिक्कत। फिर से देख लो, जेम का त्यों लिखना है, उतारना है खाली, एक बटा दो के जगह पर साइन तीस। अब भाई दोनों खत्म हो गई ले, पाई बाई सिक्स दो से कटा लो, कॉस पाई बाई थ्री का मान फिर कटा लो, वन के जगह पर टेन पैतालीस फिर कटाओ, कितना आई, नहीं बुझाया, आगे समझ में सबको। हाँ अब छोड़ देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम नहीं बनाएंगे तो आज हम दिन भर मने नहीं लगेगा। सुनिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, याद है किसी को, पाई बाई टू होता है, पाई बाई टू होता है, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट पाई बाई टू, कॉट नब्बे का मान जीरो, आया समझ में। फॉर्मूला आप लोगों को नहीं याद है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है, रख देंगे कॉट नब्बे, ये हमारा आंसर हो गया। अब इससे आगे फिर अगले क्लास में।